यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ नजर आया है। यहां पर वन विभाग की टीम ने बाघ के लिए कैमरे लगाए थे। अब कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम अलर्ट पर है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो बाघ कैमरे में दिखा है उसने एक किसान की जान भी ले ली है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ को पिंजरे में कैद करने वाले पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। वन विभाग के अधिकारी संजय बिस्वाल ने कहा कि टाइगर मूवमेंट मैप के जरिए टाइगर की निगरानी की जा रही है। टाइगर को पिंजरे में कैद करने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं। 2 ड्रोन कैमरों के साथ ही वन कर्मियों और बाघ मित्रों की मदद ली जा रही है। अभी जो इमलिया हमारा घटना हुआ है, एक व्यक्ति की जान चली गई थी बाघ के हमले से, उसके लिए हम लोग लगभग आसपास के गांव और इमलिया गांव मिला के 4 पिंजरे लगाए हैं और 2 ड्रोन हमेशा उड़ाई जा रही है ताकि उसके बाघ के लोकेशन ट्रेस हो सके। बाकी इसको छोड़ के लगभग 24 कैमरा लगाए गए हैं हमारे CCTV पर, जो कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं वो लगाए गए हैं ताकि बाघ का लोकेशन पता चल सके। और कल बाघ को जो है हमारे स्टाफ द्वारा देखा भी गया है कुछ गांव वालों की तरह, जैसे जहां पे घटना हुआ था वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर। और बाकी रात में हमारे मुझे खबर है कि पिंजरे के पास आया भी है, तो हमें इसलिए ये उम्मीद है कि जल्दी हम बाघ को पकड़ने में कामयाब होंगे। बता दें कि 27 अगस्त को जिले के इमलिया गांव के रहने वाले किसान अमरीश कुमार पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे अमरीश की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके के लोगों के बीच दहशत फैल गई है। घटना के बारे में सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। सी न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से अरविंद अवस्थी की रिपोर्ट।